हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मंडियों में सोयाबीन के भावों में रेट के दाम जानेंगे। दोस्तों फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रेट में बहुत नरमी चल रही है और बहुत तेज़ी देखने को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन दोस्तों क्या कारण है इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्यों नहीं बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ती है दोस्तों, तो वो भी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों पूरी डिटेल लास्ट में ही बताऊंगा। और जो फिलहाल अभी बताने वाला हूँ जो मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं सोयाबीनों का, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों पहले मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या सोयाबीन का भाव है, उसके बाद में बताऊँगा क्या कारण है। तो अर्निंग मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 3300 से लेकर 4180 का भाव देखने को मिला है, जिससे कल शाम को 27 जनवरी को आवक 40 टन की रही है। आवक अलर्ट मंडी में बात करूँ तो 3100 से लेकर 4290 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 80 टन की रही है। अरबी मंडी की बात करूँ दोस्तों तो अरबी मंडी में 3000 से लेकर 4210 का भाव देखने को आज मिला है, आवक की बात करूँ दोस्तों तो 65 टन की रही है। बहुत से किसान भाई लोग पूछ रहे हैं कि कभी बढ़ेगा, लेकिन पूरी डिटेल बताऊंगा लास्ट में दोस्तों आप लोगों को। अकोला मंडी बात करूँ तो 3135 से लेकर 40 टन की आवक रही है। अमलनेर मंडी की बात करूँ दोस्तों 3400 से लेकर 4210 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 250 टन की रही थी आज कल शाम की। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ पर निर्यात बंद है, फिर भी वहाँ की मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अम्बेजोगाई मंडी की बात करूँ तो 2000 से लेकर 4220 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात कर लूँ दोस्तों तो आवक 80 टन की रही है। औसा मंडी की बात करूँ दोस्तों तो औसा मंडी में 3100 से लेकर 4320 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पर 90 टन देखने को मिली है। भोकर मंडी की बात करूँ दोस्तों तो भोकर मंडी में 2990 से लेकर 4255 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात कर ले दोस्तों तो आवक 60 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा हिंगन घाट मंडी में तो दोस्तों हिंगन घाट मंडी में 3300 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 300 टन की रही थी। वहीं पर मैं बात करूंगा चिकली मंडी में तो चिकली मंडी में दोस्तों 3500 से लेकर 4310 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 90 टन की रही है। वहीं मैं नेक्स्ट में बात करूंगा चोपड़ा मंडी में 4025 रुपये से लेकर 4205 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 30 टन की रही है। नेक्स्ट में आते हैं जालना मंडी में 3210 रुपये से लेकर 4260 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात करूँ दोस्तों तो 90 टन की आवक रही है। करंजा मंडी की बात करूँ दोस्तों तो करंजा मंडी में 3240 रुपये से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 210 टन की रही है। कटोल मंडी में बात करूँ दोस्तों तो कटोल मंडी में 3255 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात कर ले दोस्तों तो आवक यहाँ पे 4050 रुपये का भाव देखने को मिला है। और यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं लासनगांव मंडी में तो लासनगांव मंडी में 2800 से लेकर 4175 का भाव देखने को मिला है, और आवक की बात कर ले दोस्तों तो 100 टन की रही है। वहीं पर आते हैं दोस्तों लासनगांव निफाड़ मंडी में तो लासनगांव निफाड़ मंडी में दोस्तों 3000 से लेकर 4270 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 95 टन की रही है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों लातूर मंडी में तो लातूर मंडी में 3000 से लेकर 4210 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आवक 105 टन की रही है। माजलगांव मंडी में बात करूँ दोस्तों तो माजलगांव मंडी में 3200 से लेकर 4190 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर यहाँ पर बात कर ले दोस्तों तो आवक 80 टन की रही है। वहीं पर आते हैं दोस्तों मलकापुर मंडी में तो मलकापुर मंडी में 3200 से लेकर 4305 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर यहाँ पर बात कर ले दोस्तों तो आवक 120 टन की रही है। मैकर मंडी में आते हैं दोस्तों मैकर मंडी में 3000 से लेकर 4280 का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 70 टन की देखने को मिली है। रजौरा मंडी की बात करूँ दोस्तों तो रजौरा मंडी में 3720 रुपये से लेकर 4295 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो 76 टन की रहेंगे। वही पर मैं बात करूँगा पुलगांव मंडी में तो पुलगांव मंडी में 3940 रुपये से लेकर 4180 का भाव देखने को मिला है, आवक का अगर बात कर लो दोस्तों तो 50 टन की रही है। दिग्रस मंडी में बात करूँ दोस्तों तो दिग्रस मंडी में 3785 रुपये से लेकर 4190 रुपये का भाव देखने को मिले हैं, आवक दोस्तों 103 टन की रही है। गेवराई मंडी की बात करूँ दोस्तों तो गेवराई मंडी में 3100 से लेकर 4260 रुपये का भाव देखने को मिले हैं, आवक दोस्तों 60 टन की रही है। वहीं पर आते हैं दोस्तों हिंगोली मंडी में तो हिंगोली मंडी में दोस्तों 3400 रुपये से लेकर 4280 का भाव देखने को मिले है, आवक की अगर बात कर ले दोस्तों तो आवक 150 टन की रही है। वसीमगांव मंडी में बात करूँ दोस्तों तो वसीमगांव मंडी में 3500 से लेकर 4301 रुपये का भाव देखने को मिली है, आवक की अगर यहाँ पर बात कर ले दोस्तों तो 145 टन की रही है। कोपरगांव मंडी में आते हैं दोस्तों कोपरगांव मंडी में 2900 से लेकर दोस्तों 4415 रुपये का भाव देखने को मिला था,
और अब की बात करो दोस्तों तो 20 टन की रही है। सांगली मंडी की बात कर लो दोस्तों, सांगली मंडी में 3900 से लेकर 4210 रुपये का भाव देखने को मिला था। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो 110 टन की रही है। नेक्स्ट में आते हैं पचोरा मंडी में, तो पचोरा मंडी में दोस्तों 3977 रुपये से लेकर 4001 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ दोस्तों तो 200 टन की रही है। वहीं पर आते हैं दोस्तों तुलजापुर मंडी में, तो तुलजापुर मंडी में 4000 से लेकर 4070 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो 40 टन की रही है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों सिंडी मंडी में, तो सिंडी मंडी में दोस्तों 3700 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 60 टन की रही है। दोस्तों एक कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण यही है कि आप सोयाबीन निर्यात नहीं पा रहे हैं, जैसे बढ़ती नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत और यहाँ पे जैसे दोस्तों भारत और चाइना की बात हो गया, तो चाइना में अभी जो चल रहा है एक बीमारी दोस्तों वायरस के नाम पर कोई चल रहा है, वही भारत और मलेशिया के बीच में कुन अनपढ़ चल रही है दोस्तों, और उसके बाद अमेरिका और ईरान उधर चल रहा था, इसी का कारण है दोस्तों कि अभी सोयाबीन में नरमी देखने को मिल रही है। और दोस्तों अब तेल ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं उसका भी तेज़ी में तेल चल रहा है, इसी कारण है कि अभी सोयाबीन का तेलों में भाव तेज़ी नहीं हो रहा, इसलिए अभी आपका सोयाबीन में भी भाव तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों जैसे भी हमारे वीडियो पर जैसे हमारे चैनल देखते हैं, तो जैसे ही आपको अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा दोस्तों कि क्या रेट चल रहा है। फिलहाल मैं अभी आप लोग को बता दूं कि दोस्तों फरवरी से 1 से लेकर 10 फरवरी 10 तक अंदर मतलब तेज़ी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों चलिए वहाँ पे देख लेंगे। और दोस्तों उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन हुए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग को तुरंत अपडेट दे दूंगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।